नमस्कार, मैं सचिन मगरिया। आज हम चुनाव परिणाम पर चर्चा करेंगे। जैसे कि चुनाव परिणाम बदल रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे आने वाले चुनाव जो भी हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी सरकार जा रही है, कौन सी सरकार आ रही है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है। लेकिन परिणाम क्यों बदल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सभी पार्टी अपने अपने मत रखती हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये लाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, और पार्टियां करती भी हैं। लेकिन हर पार्टी एक ही मुद्दे पर भटक जाती है, वह रोजगार। रोजगार को लेकर वह मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन रोजगार से वो पूरी तरह से बिखर जाती हैं और वो रोजगार पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण ये है कि रोजगार न होने के कारण सब गतिविधि बनती हैं कि इंसान रोजगार ना मिलने के कारण कहीं नशा करने लगते हैं या कुछ ऐसी गलत चीज़ों में चले जाते हैं। और सबसे मेन कारण है रोजगार। अगर सरकार रोजगार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे तो कोई भी ऐसी गतिविधि ना बने कि और देश की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो हम तो झारखंड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में भी अभी भी हम लोग आईटी पार्क गए। क्यों सर, आईटी पार्क गए? आईटी पार्क में जब जबलपुर में हम लोग गए तो हमने वहाँ पे देखा कि कंपनियों के नाम पे लोकल कंपनीज और लोकल लोगों ने ही वहाँ पे केवल अपनी दुकानें खोल के रख ली। कोई भी बड़ी कंपनी आज भी जबलपुर में आई नहीं, जबकि जबलपुर में भी एमसी, एमटेक और इतने बड़े बड़े कोर्सेस हो रहे हैं, एमबीए हो रहा है। लेकिन बड़ी कंपनी के ना होने के कारण हमारे जबलपुर में भी लगातार आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है। हर बच्चा जो जबलपुर में पढ़ लिखता है, अच्छे कोर्सेस करता है, अच्छी मोटी फीस देता है कॉलेजों को, वो आखिरी में उसको बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने के बाद उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाइवल की दिक्कत होती है, क्योंकि अन्य सिटीज़ में लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, खान पान की प्रॉब्लम रहती है, अपने माता पिता से बेचारे को दूर रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों से उस बेचारे का भी मन टूट जाता है और 5-10 साल स्ट्रगल करने के बाद कई बार वो वापस जबलपुर में भी लौट आते हैं कि चलो जो मिले अब यही सही। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी पार्क हम लोग घूमे। आईटी पार्क घूमने पर हम ये मानते हैं कि है जबलपुर में आईटी पार्क है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसमें अभी आईटी कंपनियां ना होना ये बहुत सोचनीय विषय है। और यानी कि जगह तो बहुत पर्याप्त है, सब है, लेकिन आईटी का कंपनियां सिर्फ नाम मात्र के लिए होना। और जबलपुर क्योंकि 100 स्मार्ट सिटीज में भी है, तो हमारा ये सुझाव है सरकार को कि आप जबलपुर में भी कुछ बड़ी आईटी कंपनीज को लाए, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, इन आईटी कंपनीज के आने से मैं मानता हूं सर कि कम से कम 2 या 3 एमएनसी कंपनियां जबलपुर में होना चाहिए, जिससे कम से कम जबलपुर में जो बीई कर रहे हैं छात्र, कंप्यूटर साइंस से बीई कर रहे हैं, जो आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो अपने घर से ना भागें, ना बेंगलोर जाएं, ना हैदराबाद जाएं, ना पुणे जाएं, अपने जबलपुर में ही एमएनसी का एक लेखा जोखा हो और जहाँ यहीं पर जॉब करें। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, छिंदवाड़ा मॉडल बनाने के लिए कमलनाथ सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। हमारे सांसद महोदय जी ने भी जिन्हें चुनाव के पहले भी ये कहा है कि हम इसको उद्योग केंद्र बनाएंगे, चुनाव उन्हें मैनिफेस्टो में भी था उनके कि जबलपुर को उद्योग केंद्र बनाएंगे, तो आगे चल के हो सकता है कि ये चीजें हों। क्यों सर? तो हमारे ये मानना है कि जबलपुर में अब कुछ बड़ी आईटी कंपनीज आए, कुछ अच्छी बड़ी कंपनी जबलपुर में आए, इससे रोजगार जो है वो जबलपुर में भी बढ़े और लोग यहाँ से पढ़ के इधर ही स्टैब्लिश हो, जिससे जबलपुर को भी काफ़ी ग्रोथ मिले। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ का प्लेन रेलवे एरोड्रम और ज़्यादा विकसित हो, रोड्स अच्छे विकसित हो, और जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों को फिर अच्छी जीवन शैली भी लोग यहाँ पे अपनाते हैं। और हम ये भी बहुत अच्छा कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे तरुण गहलोत जी, माननीय वित्त मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने मॉडल कैरियर का निर्माण किया हमारे जबलपुर में, जिससे कुछ ना कुछ रोजगार का कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है, मॉडल के रोजगार मिल रहा है लोगों को। लेकिन हमारा ये सोचना है कि जबलपुर को एक, जैसे हर चीज के मामले में हमारे इंदौर को ही मिल रहा है, जैसे सर बार बार बोलते हैं, मुझसे ही बोलते हैं बार बार कि हर चीज सर बताइए, वो चीज विस्तार में बताइए आप। हाँ, कि हर बार हमने ये देखते हैं कि जितनी भी कंपनी आती है अमूमन उनको इंदौर या भोपाल में जमीन आवंटित की जाती है और उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे दिया जाता है, जबकि ज्यादा जरूरत अभी हमारे महाकौशल को ज्यादा जरूरत है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, इनकी मंडला, इनमें काफी डेवलपमेंट की जरूरत है।
तो हम ये चाहते कि उन कंपनीज में से कुछ कंपनी जबलपुर में भी लगाई जाए। हमारे पास संसाधन भी है, मानव संसाधन भी अच्छे हैं, जमीनें भी है, बस थोड़ा सा सरकार को इसमें सामने आना पड़ेगा और कंपनियों को बुलाने का प्रयास करें। ये हम मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से, हमारे दो चार बार सांसद जी विजय हुए हैं हमारे जबलपुर क्षेत्र से, राकेश, माननीय राकेश सिंह जी से, उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वो जबलपुर का में उद्योग केंद्र के लिए बहुत स्तर पर काम करें। हमारे जबलपुर में बेरोजगारी का स्तर भी कम होगा उससे, और हमारा एनजीओ है, जो एनजीओ है तो जो विस्तार फाउंडेशन एनजीओ है, अब वो लगातार 2020 के कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किए हैं कि जो हम लोग करेंगे, ये वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहते हैं आपसे। सबसे पहला कार्यक्रम यह है कि हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान में ये करेंगे कि हर किसी के पास जाके हर कॉलेजों में जाएंगे और ये जरूर करेंगे कि क्या उद्योग केंद्र जबलपुर में कब तक लगेंगे और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये उनसे सुझाव लेंगे। दूसरा, हम ज्ञापन देंगे सरकार को, क्यों सर, कलेक्टर जी को ज्ञापन देंगे और माननीय विधायक जी को ज्ञापन देंगे, सांसद जी को ज्ञापन देंगे, और हो सकता है तो कमलनाथ, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ, माननीय कमलनाथ जी को भी हम ज्ञापन देंगे कि सर हमारे यहाँ रोजगार के, जैसे छिंदवाड़ा मॉडल बना है तो हमारे जबलपुर को भी छिंदवाड़ा मॉडल के स्तर पे भी लाया जाए, और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करें। हमारा विस्तार फाउंडेशन एनजीओ जबलपुर में उद्योग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो और सर से कुछ सुनना चाहेंगे हम। आप सभी जो स्टूडेंट्स से है, जो लोग बहुत अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ फ्यूचर बहुत अच्छा हो, तो आप हमारे विस्तार फाउंडेशन के इस मिशन से जरूर जुड़े। इस मिशन में आप सभी रजिस्टर्ड हो और हमारे जबलपुर में स्किल डेवलपमेंट और उद्योगों की स्थिति को सुधारने के लिए आप अपने सुझाव दें, और हमारे विस्तार फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप निशुल्क जुड़ के आप हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, कैरियर गाइडेंस ले सकते हैं और उद्योगों की स्थिति और स्किल में बहुत सही बात कही। मेरे को ये भी ध्यान आया कि मैं भूल रहा था कि मैं मुद्दे की बात भूल गया था कि अगर आपको भी अपने कैरियर से संबंधी कुछ भटकाव हो कि मैं क्या करूं, तो विस्तार फाउंडेशन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आइए और बताइए कि सर मैं यहाँ थी, यहाँ फंस गई हूँ, अब मैं कैरियर में कहाँ जाऊँ, तो हम आपको सलाह देंगे, साथ में ट्रेनिंग भी करवाएंगे, और ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ MNC कंपनी नहीं है, लेकिन हम इसके लिए मेहनत करेंगे, आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ MNC कंपनियाँ हैं, और हम सरकार से फिर एक बार दरख्वास्त करेंगे कि जबलपुर में उद्योग केंद्र लाए जाए और जबलपुर में उद्योग का स्तर बढ़ाया जाए। मैं सचिन मघरिया विस्तार फाउंडेशन से, और हमारे साथ अमित भूत सर हैं जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं, प्लस अच्छे अन्य पद पे भी हैं, और हमारी टीम है, एक अच्छी टीम है, हमारी स्टाफ है, और हम हमेशा यही काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 बच्चे MNC ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको 4-5 महीने बाद जॉब मिलेगी। MNC कंपनी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी विस्तार फाउंडेशन ने ली है, तो हम यही चाहते हैं कि जबलपुर का स्तर अगर सुधारना है तो सबसे पहले रोजगार पे, MP चाहे वो पूरे देश का अगर स्तर सुधारना है तो रोजगार पे काम करना पड़ेगा। अन्य मुद्दे तो आते जाते रहेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं। मैं सचिन मघरिया, धन्यवाद।